हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में ड्रॉ करने वाले एक बेबी फेस। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आउटलाइन बताऊंगा कि आप सिंपल आउटलाइन कैसे कर सकते हैं गाइस। बट आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको इम्प्लीमेंट जरूर करना है, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ करनी है। जिस तरह से मैं आपको बताऊँगा आपने वैसे ही 5, 6, 10 स्केच सिर्फ आउटलाइन के बना के देखने हैं, तो ही आप बिल्कुल अच्छे से ये बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं मैंने ये यहां पे ग्रिड बना रखा है। जो शीट साइज़ है वो A4 साइज़ है और जो पेपर है वो आटो का फैब्रियानो पेपर है। तो गाइस, अगर आपको भी सेम ऐसे ग्रिड बनाना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि आप ग्रिड कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको यहां पे पिक दिखा देता हूं जो मैं यहां पे पिक यूज़ कर रहा हूं। सब बेबी फेस पिक, एक्चुअली हम इसे बिल्ली बोलते हैं, ये हमारे पड़ोस में ही रहती है, तो शी इज़ वेरी क्यूट। हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले सबसे पहले आउटलाइन। मैंने पहले भी आउटलाइन के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो मेरा मेथड है ग्रिड के ऊपर, और वो एक गर्ल फेस है। यहाँ पर हम बेबी फेस बना रहे हैं, तो वैसे आउटलाइन में कोई फ़र्क तो नहीं होता चाहे आप बेबी फेस बनाओ। हम यहाँ पर पहले आई से स्टार्ट करेंगे, सेम जैसे मैं आपको हर पिक्चर में आपको बताता हूँ कि मैं जो पिक स्टार्ट करता हूँ हमेशा आई से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर जो मैंने ग्रिड बनाया हुआ है वो बहुत लाइट है, हम पहले इसको डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली पता लग जाए कि मैं कैसे कैसे कौन से बॉक्स में आई है जो भी फेस के फीचर है वो मैं बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बीच बीच में जो इसको डार्क कर लिया है। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आई से। आपको सेम बॉक्स को देखते जाना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको गैप और डिफरेंस का बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि हमें किस तरह से गैप डिफरेंस लेना चाहिए। मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में, इसमें भी आपको एक सिंगल सिंगल बॉक्स लेके चलना है। और एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि हमें कोई ऐसा ग्रिड मेथड बताओ कि हम 100% एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ कर सकें। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 100% एक्यूरेट आप तभी ड्रॉ कर पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो। आप कोई भी ग्रिड मेथड ले लो बट आप एक्यूरेट तभी ड्रॉ कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है आउटलाइन ड्रॉ करने की। अगर आप ये क्वेश्चन फ्री हैंड में पूछते हैं तो गाइज उसमें बहुत मेथड्स आते हैं। ग्रिड मेथड्स में तो 100% एक्यूरेट, अगर आप बहुत टाइम से स्केचिंग कर रहे हैं तो 100% मैं बोलता हूँ कि यार एक्यूरेट ही आएगा। आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ करिए, चाहे मेरे वाला मेथड यूज़ करिए, आपको बहुत से मेथड मिल जाएंगे, बहुत सी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, और आप रेफरेंस पिक को जीरोक्स कॉपी निकलवा कर उस पर ग्रिड बना के भी सेम आप बना सकते हैं। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और जो मैं यहाँ पर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो 2H पेंसिल है, बिल्कुल लाइट, क्योंकि हमें लाइट से ही सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ग्रिड थोड़े आपके को बताने के लिए थोड़े डार्क किए हैं, वरना मैं इतने डार्क ग्रिड बनाता नहीं हूँ, और मैं आउटलाइन भी इतनी डार्क नहीं करता हूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा लाइट करता हूँ, जैसे आप आई की यहाँ देख रहे हैं। गाइस, यहाँ पे जो वीडियो की स्पीड है वो मैंने 2 गुना ज़्यादा की है, ज़्यादा नहीं बढ़ाई, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि यार आप स्लो वीडियो बनाया करो ताकि हमें अच्छे से पता लगे कि आप कैसे बनाते हो। सो गाइज, इन्जॉय द वीडियो और देखो कि मैं यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए।
यहाँ पे हमारी जो वो आउटलाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली मुझे 30 मिनट्स लगे हैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए इसमें, वैसे इतना टाइम नहीं लगता, वो आपके रेफरेंस पिक पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारी पिक है उसमें डिटेल वर्क ज़्यादा है तो हमें उसी तरह से इसको आउटलाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अभी मैंने नीचे से ड्रेस नहीं बनाई है, नहीं तो और टाइम लगता आउटलाइन ड्रॉ करने, बट मैं यहाँ पर आपको अभी सिर्फ फेस का बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत मैंने डार्क भी किया है बट मैं डार्क नहीं करता हूँ, बहुत लाइट ही रखता हूँ। सो गाइज़ आई होप कि आपको अच्छे से पता लग गया हो कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो इस चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे सजेस्ट जरूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से लेके आऊँ या आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें करेंगे लाइट शेडिंग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।